हेलो गाइस, वेलकम टू फिटनेस माय लाइफ। दोस्तों, आज का ये वीडियो इस पूरी सीरीज का 6th वीडियो है और आज हम लोग करेंगे शोल्डर्स का वर्कआउट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉपर वी शेप दिखे तो शोल्डर्स को जरूर ट्रेन करें, बिकॉज आपकी बॉडी का प्रॉपर वी शेप जो है वो शोल्डर्स की ब्रॉडनेस से आता है। शोल्डर्स में आपके 3 मेजर मसल होती हैं, फ्रंट डेल्ट, मिडिल डेल्ट और रियर डेल्ट। और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे इन तीनों मसल्स को टारगेट, और उसके साथ साथ हम लोग करेंगे ट्रैप्स का वर्कआउट जो कि एक कॉमन मसल है आपके बैक और शोल्डर की। सो गाइज, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग करेंगे वार्म अप। उसके लिए अपने दोनों आर्म्स को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल्स बनाते हुए घुमाएं। उससे आपके शोल्डर जॉइंट्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो केवल शोल्डर्स को ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करके भी शोल्डर का वार्म कर सकते हैं। यह वर्कआउट आपके शोल्डर की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। शोल्डर का फर्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे शोल्डर प्रेस, और उसके लिए लिए है मैंने 50 पाउंड के रेजिस्टेंस बैंड। इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर की दूरी बनाते हुए दोनों पैरों को बैंड के ऊपर रखें और फिर दोनों हैंडल्स को कंधे के ऊपर ले जाकर स्टार्टिंग पोजीशन लें। इस वर्कआउट में हम फुल रेंज ऑफ मोशन रखेंगे, यानी कि ऊपर जाते वक्त आर्म्स को पूरा स्ट्रेट करेंगे और नीचे आते वक्त स्टार्टिंग पोजिशन तक वापस आएंगे। इस वर्कआउट से हम मेजरली हमारे फ्रंट डेल्ट्स और मिडिल डेल्ट्स को टारगेट करते हैं। शोल्डर का दूसरा वर्कआउट हम लोग करेंगे साइड लेटरल रेजेस। उसके लिए मैंने लिए हैं 20 पाउंड के रेजिस्टेंस बैंड्स। इस वर्कआउट के लिए भी हम दोनों पैरों को बैंड्स के ऊपर शोल्डर डिस्टेंस पे रखेंगे और फिर दोनों हैंडल्स को हिप्स के पास वर्टिकली होल्ड करेंगे। उसके बाद दोनों हैंडल्स की मदद से बैंड को शोल्डर की लेंथ तक पुल करें और फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन तक जाएं। और एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो हमारे आर्म्स हैं वो हमारी बॉडी के सीध में रहेंगे थ्रू आउट द वर्कआउट। ये वर्कआउट हमारे मिडिल डेल्ट को टारगेट करने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। शोल्डर का थर्ड वर्कआउट हम लोग करेंगे फ्रंट रेजेस, और उसके लिए लिए है मैंने 20 पाउंड के रेजिस्टेंस बैंड्स। इस वर्कआउट में भी हमारे पैरों की पोजीशन पिछले वर्कआउट जैसी ही रहेगी, बट जो हमारे हैंडल्स है वो फ्रंट में थाइस के ऊपर रहेंगे और फिर हम दोनों हैंडल्स को शोल्डर की लेंथ तक पुल करेंगे। इस वर्कआउट से हम हमारे एंटीरियर डेल्टॉइड्स यानी कि फ्रंट डेल्ट्स को टारगेट करते हैं। आप चाहें तो इस वर्कआउट को अल्टरनेट आर्म्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, इससे ये वर्कआउट थोड़ा इजी हो जाता है। शोल्डर का फोर्थ वर्कआउट हम लोग करेंगे अपराइट रो, और उसके लिए लिए है मैंने 30 पाउंड के रेजिस्टेंस बैंड्स। इस वर्कआउट के लिए मैंने बैंड का एक लूप बनाया है और उसमें अपना एक पैर रखा है ताकि जो बैंड की लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि जो मेरी स्टार्टिंग पोजिशन है इस वर्कआउट की उसमें मेरे ट्रैप्स पूरी तरह स्ट्रेच रहेंगे और आर्म्स मेरी स्ट्रेट रहेंगी। उसके बाद एल्बोज को बाहर रखते हुए दोनों हैंडल्स को अपने चेस्ट की लेंथ तक पुल करें और फिर स्टार्टिंग पोजीशन तक जाएं। इस वर्कआउट से हम हमारे फ्रंट डेल्ट्स और ट्रैप्स को टारगेट करते हैं।
शोल्डर का फिफ्थ वर्कआउट हम लोग करेंगे श्रग्स, और उसके लिए मैंने स्टैक किए हैं 80 पाउंड्स के रेजिस्टेंस बैंड्स। इस वर्कआउट में भी हम एक लूप बनाएंगे और उसके ऊपर अपना एक पैर रखेंगे। उसके बाद दोनों हैंडल्स को हिप्स के पास वर्टिकली होल्ड करेंगे और फिर केवल ट्रैप्स की मदद से शोल्डर को अप डाउन मूव करेंगे। इस वर्कआउट में ध्यान रहे कि जो हमारे एल्बोज हैं वो बैंड नहीं होनी चाहिए, और बैंड्स को हमें केवल शोल्डर और ट्रैप्स की मदद से ही पुल करना है। यह वर्कआउट हमारे ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। शोल्डर का सिक्स और आखिरी वर्कआउट हम लोग करेंगे बेंट ओवर रिवर्स फ्लाइज, और उसके लिए लिए हैं मैंने 20 पाउंड के रेजिस्टेंस बैंड्स। इस वर्कआउट में हम एक पैर को बैंड के ऊपर रखेंगे और फिर बैंड की साइज को थोड़ा छोटा करने के लिए हाथ में उसको एक बार ऐसे लपेट लेंगे, और फिर बैंड का वी बनाते हुए दोनों आर्म्स को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। इस वर्कआउट से हम रियर डेल्ट को टारगेट करते हैं। तो गाइज, इस वर्कआउट के साथ शोल्डर का वर्कआउट फिनिश होता है और आज का वीडियो भी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।